गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, अगेन मैं आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि रहेगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो काफी सारे रिक्वेस्ट आए हैं मुझे। ओके, मैं सब रीडिंग्स करने वाली हूँ गाइज, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, बिकॉज काफी सारे रिक्वेस्ट हैं, तो डेफिनेटली मैं हर एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ मेरे चैनल पे, तो बने रहिए। ठीक है, तो आज की हम रीडिंग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एज यूजुअल मैंने आपके बर्थ मंथ्स रखे हैं सामने, पिक करिए आपका जो बर्थ मंथ रहेगा, फिर हम देखते हैं वन बाय वन कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से, जो कि ये है, पाइल नंबर टू ये है। ठीक है, तो लेट्स सी पाइल वन। तो अगर आपने ये पाइल चूज किया है, अगर इस लिस्ट में आपके बर्थ मंथ्स हैं, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। ओके, पाइल वन, तो लेट्स बिगिन। यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइए पाइल वन के लिए फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इनकी। तो पाइल नंबर वन, ओके, पहला जो है डेविल है, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Temperance, okay, और यहाँ पे bottom में है guys, it's Nine of Pentacles. तो pile one यहाँ पे जैसे कि मुझे cards बता रहे हैं guys, okay, तो आपके future spouse के साथ आपकी married life कैसी रहेगी। ठीक है, पहली बात मैं बता दूँ, आपके future spouse जो रहेगी, okay, आप दोनों का बॉन्ड जो रहेगा गाइस, काफी ज्यादा नो सेक्सुअल बॉन्ड रहेगा, काफी ज्यादा इंटीमेट रहेगा आप दोनों। ओके, और आपके फ्यूचर स्पाउस काफी ज्यादा आपसे प्यार भी करेंगे, हद से ज्यादा प्यार करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, पाइल नंबर वन, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए डेविल निकल के आया है गाइस, तो डेविल मुझे यही बता रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी, ओके, इसमें बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस भी रहेगी, बहुत ज़्यादा यू नो प्रेशर भी रहेगा आपका, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरे मैरिड लाइफ में बहुत ही यू नो कंट्रोल करा जा रहा है मुझे। ओके, या आपको फील हो सकता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया कि आप दोनों का जो बॉन्ड, ये जो केमिस्ट्री रहेगी, हद से ज़्यादा प्यार करने वाले आपके स्पाउस रहने वाले हैं। ओके, तो मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल मैरिड लाइफ की बात करूँ पाइल नंबर वन के लिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी ओके टॉक्सिक हो सकती है कुछ दिनों के लिए गाइज। ओके, तो टॉक्सिक इन द सेंस कि थोड़ा सा हो सकता है आपके ना इन लॉज आप पे कुछ प्रेशर डाले, या फिर कुछ बाउंड्रीज सेट करें, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है आपके मैरिड लाइफ के बाद। ओके, और बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर सकते हैं आपके इन लॉज या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो ये मैरिड लाइफ के बारे में हम बात करें, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। टॉक्सिक इन द सेंस रहता है कि जहरीलापन, ओके, कुछ जहरीलापन आपको महसूस होगा आफ्टर मैरिज, बिकॉज हो सकता है कि आपके इन लॉज आप पे ज़्यादा कंट्रोल करें, ओके, हुकुम बजाए, ओके, हुकुम बजाए, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज उसके साथ एज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली एज ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हो सकता है आपको घुटन महसूस हो आफ्टर मैरिज। ओके, तो ये जो है गाइज, ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है। ओके, बिकॉज मैंने ये जो पहला कार्ड है डेविल है, तो इस रो में आया है। ओके, डेफिनेटली थोड़ा सा नयापन रहता है, हम नए रहते हैं शादी के बाद, हमें लोगों का यू नो नेचर पता नहीं होता है, तो काफ़ी सारे चीज़ें रहती है कि उसके वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा घुटन महसूस हो आफ्टर मैरिज।
ओके आपको शायद ऐसा लगे कि काश मैंने यहाँ पे शादी की, या फिर मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे तो गलती तो नहीं हो गई है, या फिर यहाँ पे ये इतने सारे रीति रिवाज है, इतने सारे तौर तरीके हैं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, या फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं ये मैरिज आगे बढ़ा पाऊंगी या नहीं, ये कुछ काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स या फिर विचारों की जो कशिश रहेगी ना, विचारों की एक क्या बोलते हैं हम उसको, विचारों की एक लड़ाई रहेगी, ओके वो आपके दिलो दिमाग में रहेगी कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर ये परिवार मेरे लिए ठीक नहीं है, ओके ये कुछ आपके ख्यालात हो सकते हैं आफ्टर मैरिज, जैसे ही आप शादी करके आपकी ससुराल में जाओगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के घर, ओके लेकिन मैं बात बता दूं कि कुछ दिनों की ही बात रहेगी गाइस, कुछ दिनों में ओके आप महसूस करोगे कि नहीं, यहाँ पे जैसा मैं सोच रही थी या फिर मैं सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये भी है कि आप कुछ ही दिनों में आप लोगों के ना फेवरेट भी बनोगे गाइस, ओके फेवरेट इन द सेंस कि आप जानोगे कि ये जो परिवार है मेरा, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार भी करते हैं, इसके वजह से शायद ओवर प्रोटेक्टिव है मेरे लिए या फिर ओवर पजेसिव है, ओके लेकिन जैसे ही आप शादी करके जाओगे थोड़े दिन के बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, ओके आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए, काफ़ी ज़्यादा चेंज आए, ओके जिसके वजह से आपको ये भी लगेगा कि हाँ आपकी सारे इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं ये लोग, ओके सारे आपके जो विश एंड डिजायर्स रहेंगे डेफिनेटली आपके आपके जो फ्यूचर इन लॉज रहेंगे या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो विश डिज़ायर रहेगी, अगर आपको स्टडीज करने की इंटरेस्ट है, अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर आपको हायर स्टडीज करना है आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे करने की इजाजत मिलने वाली है, ओके बिकॉज यहाँ पर अगर देखो तो एज ऑफ वॉन्स भी है, एज ऑफ स्पोर्ट्स भी है, तो ये दोनों भी कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं गाइस कि आपको हर एक सहूलत दी जाएगी, हर एक करने की इच्छा अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसकी इसके रिलेटेड परमिशन आपको मिलेगी आपके इन लॉज की तरफ से आफ्टर मैरिज, ओके तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि आफ्टर दो मंथ्स के बाद आपको रियलाइज होगा, आपको महसूस होगा कि नहीं, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप में थी गाइज, ओके बिकॉज पहला डेविल कार्ड है, तो डेफिनेटली डेविल कार्ड ये निगेटिव एनर्जी को बताता है, नो डाउट बताता है, लेकिन उसके क्लैरिफिकेशन में एज ऑफ वॉन्स है, तो डेफिनेटली आफ्टर दो मंथ्स के बाद आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और आप महसूस करोगे कि जो आपके पहले की जो थिंकिंग थी, जो आपकी पहले की जो ख्यालात थी, ओके वो हट चुकी हैं, ओके या फिर आपकी जो निगेटिव थिंकिंग थी आपके ससुराल के रिलेटेड, आपके इन लॉज के रिलेटेड, तो वो काफ़ी हद तक 2 महीने के बाद सारे कुछ हटने वाली है, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ कहा था कि आपको यहाँ पे आपके जो डिज़ायर्स रहेंगे, आपके विश रहेगी, अगर आपको कुछ करने की इच्छा है, अगर आपको कुछ करना चाहते हो, ओके कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कुछ एजुकेशन करना चाहते हो, तो यस फॉर श्योर आपके इन लॉज आपको शादी के बाद ये करने की इजाज़त ज़रूर देंगे, ओके बिकॉज एज ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, ओके तो यही डिवाइन आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि ना सिर्फ आपकी लाइफ में परिवर्तन तो आएगा, ना सिर्फ आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, बल्कि आप ऐसा कुछ करोगे ना गाइस कि फाइनेंशियली आप बहुत इंडिपेंडेंट रहने वाले हो, ओके और इंडिपेंडेंट रहने की आपको कुछ वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ओके आपके इन लॉज हो सकता है कुछ ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी दे आफ्टर मैरिज, ओके हो सकता है आपको जो भी करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली आपके इन लॉज, आपके ना फ्यूचर इन लॉज आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है बिकॉज यहाँ पे 10 of Pentacles भी हैं, तो डेफिनेटली 10 of Pentacles मुझे यही बता रहा है कि फिनेंशियल टर्म्स में आपके इन लॉज आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो बिजनेस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, या फिर किसी भी लेवल का, ओके एजुकेशन में हो सकता है या फिर किसी भी लेवल का, ओके और आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से एक बैलेंस्ड वे में रहने वाली है, ओके और जो पहले के थिंकिंग और फिर बाद के थिंकिंग, ओके उसमें पूरी
जमीन आसमान का फर्क रहेगा गाइस। ओके तो जैसे कि यहाँ पे पहला का डेविल है और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा परिवर्तन आपकी मैरिड लाइफ में आने वाला है, आफ्टर आपके मैरिड लाइफ में आने वाला है फ्यूचर में। ओके तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको निगेटिव वाइब्स मिले आपके इन लॉज की तरफ से, या फिर आपको घुटन महसूस होगा। ओके लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आप जैसे सोच रहे थे वैसे आपकी फैमिली नहीं है, वैसे आपके फ्यूचर इन लॉज नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे वो आपके ससुराल वाले हैं, आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी, आपके ससुर जी के पिताजी भी रहेंगे, तो डेफिनेटली वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैंड देने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा यू नो लविंग फैमिली आपकी रहने वाली है आफ्टर मैरिज। और शादी के बाद आप ये भी महसूस करोगे गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपने खुद के पैरों पर भी खड़े होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके तो ना सिर्फ आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा बल्कि आपको आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, जहाँ पर आप फिनेंशियल टर्म्स में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हो गाइस। ओके तो डेफिनेटली आपकी जो फ्यूचर इन लॉज रहेंगे या फिर आपकी शादी के बाद जो आपकी मैरिड लाइफ रहेगी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर वन, ठीक है। इससे ऊपर मैं थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ गाइस, फिर आपको और बताती हूँ कि और क्या रह सकता है। ओके तो यहाँ पे मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूंगी गाइज आपके लिए कि फ्यूचर आपकी मैरिड लाइफ, फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके तो पाइल नंबर वन, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए पाइल वन के लिए उनकी मैरिड लाइफ विथ फ्यूचर स्पाउस कैसी रहेगी। इट्स क्वीन ऑफ एयर, ओके पहला जो कार्ड है। थ्री ऑफ एयर, इट इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। द लवर्स, ओके रिलेशनशिप इमोशंस एंड चॉइसेस। तो यहाँ पे जैसे कि कार्ड्स निकल के आए हैं गाइज, और यहाँ पे बॉटम में है स्ट्रेंथ है। ओके तो यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड निकल के आया है वो स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे और ज्यादा हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करें गाइज, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपको ऐसी मैरिड लाइफ मिलेगी या फिर आपकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी गाइज, पाइल नंबर वन, कि आप, मैंने कहा था कि आप खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करोगे और आप खुद के दम पे सारी चीज़ें हासिल करोगे। ओके शादी के बाद तो आपको आपका फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और आप खुद के नाम से जाने जाओगे, आप खुद की एक आइडेंटिटी पैदा करोगे आफ्टर मैरिज। ओके तो इतनी ज़्यादा सहूलत आपको मिलेगी, इतनी ज़्यादा एक फ्रीडम आपको मिलेगी आफ्टर मैरिज कि डेफिनेटली आप जो भी हासिल करना चाहते हो, जो आपको करने की इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो पूरी तरीके से करोगे, पूरी मेहनत डाल के करोगे। ओके तो पहला कार्ड जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ ईयर आया है, दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बनोगे और बहुत एक्सपीरियंस आपको आएगा। जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहोगे और डेफिनेटली आप खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हो यहाँ पे फैमिली के सपोर्ट से, या फिर खुद का एक फैशन डिजाइनिंग का भी आप करने वाले हो आफ्टर मैरिज। ओके तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी फैमिली रहने वाली है। ओके उसके बाद जो है थ्री ऑफ एयर, दैट इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो थोड़ा सा ना आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। ओके मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि आपको ये लगेगा, थोड़े से निगेटिव वाइब्स आएंगे। ओके तो ये जो है गाइज, ये थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है इन चीज़ों को। ओके ये हर एक मैरिड लाइफ में आप हम लोगों को थोड़ा सा यू नो निगेटिविटी आती है, या फिर थोड़ा सा हम दुखी होते हैं कि मुझे ऐसे फैमिली क्यों मिले, मैं क्यों ऐसे दौराव पे हूँ, या फिर क्या ऐसा है कि मुझे करने की ज़रूरत है। तो आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, नो डाउट आप सक्सेसफुल रहोगे आफ्टर मैरिज। ओके आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे
इजाजत मिलेगी, आप जो कुछ करना चाहते हो सब कुछ, आपको फ्रीडम भी मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके दिल में खाया जाएगा कि ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े रहे या फिर कुछ मन मुटाव रहे आफ्टर मैरिज, ओके, जो कि हर एक मैरिड लाइफ में होता है गाइस। तो कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ओके। वो दिल पे लेकर आपको बैठना नहीं है कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। नो डाउट, आप अगर आप किसी सक्सेसफुल जर्नी में भी रहोगे, पाइल नंबर वन आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। वो चीज़ें आपके मन में घर करके नहीं लेना है, ओके, दिल में बिठाकर नहीं लेना है किस भी चीज़ को, ओके। तो माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, यही आपको डिवाइन बता रहे हैं। और ये भी है कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स में प्यार तो बहुत ज़्यादा रहेगा गाइस, ओके। द लवर्स है, तो लवर्स मतलब ये सारी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, ओके। तो आफ्टर मैरिज डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपके और आपके स्पाउस में भी और आपके फ्यूचर इन लॉस में भी, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ये मैरिड लाइफ रहेगी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रहेगी, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से भी रहना चाहिए पाइल नंबर वन, ओके। तो कुछ जो चीज़ें मैंने बताई, कुछ चीज़ों आपसे आपको अगर दिल को लगती है, छूटी है, तो उनको इग्नोर करिए, ओके। वो चीज़ आपके दिल में ना बिठा के रखिए कि इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ओके। और ये भी है कि आपको बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये स्ट्रेंथ भी यही बताता है कि रिलेशनशिप में थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे शुरुआत में, ओके, लेकिन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है और बहुत ही हिम्मत से आपको इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि आपका ये जो मैरिड लाइफ रहेगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस के हमें खटकती है, ओके। तो वो चीज़ इग्नोर करके आगे बढ़ना है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन से, बहुत करने कर जाने की, ओके, बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने की इच्छा है। तो यही आपको डिवाइन बता रहे हैं कि सिर्फ हिम्मत से आपको काम लेना है और निगेटिव नहीं सोचना है, बुरे चीज़ें आपके मन में भी नहीं लाना है आफ्टर मैरिज, ओके। अप्स एंड डाउन से हम सारे लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना है और हिम्मत से काम लेके एक करेज लाना है, ओके। डट के सामना करना है, जो भी मुसीबत मुसीबत आती है, जो भी हालात आपके सामने आते हैं, ओके। डेफिनेटली आपको कोई हरा नहीं सकता है गाइस, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लेडी होने वाले हो या फिर बोल्ड मेल होने वाले हो आफ्टर मैरिज, ओके। तो लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाने वाले हैं आफ्टर मैरिज, ओके। तो हर एक की डेस्टिनी में कुछ ना कुछ अलग सीख रहती है, कुछ ना कुछ अलग लेसन रहता है। तो डेफिनेटली उस लेसन को सीख कर ही आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बनोगे, काफ़ी ज़्यादा एक करेजियस, ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग बनने वाले हो आफ्टर मैरिज, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर कार्ड्स भी आपके लिए आए गाइज, और बहुत ही अच्छा, मैंने शुरुआत में ही बोला था, बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके होने वाली है, ओके। तो ऑल द बेस्ट, और बहुत ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव रहिए, ओके। और दैट्स ऑल पाइल नंबर वन, ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। है पाइल नंबर टू, तो अगर आपके बर्थ मंथ्स इस लिस्ट में आते हैं, दैट इज पाइल टू में आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ओके। ये रिक्वेस्टेड रीडिंग थी गाइस, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आया है, डेफिनेटली मैं हर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, थोड़े से पेशेंस रखिए, ठीक है। तो पाइल नंबर टू के लिए यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए फ्यूचर स्पाउस के साथ उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और पाइल टू, ओके, द टॉवर है पहला कार्ड, द स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सॉरी एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्स, टेम्परेंस,
फोर ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे बॉटम में है गाइस एट ऑफ वॉन्ड्स. ओके सो पाइल वन के लिए यहाँ पे जैसे कि मुझे कार्ड्स शो कर रहे हैं गाइस, शादी के बाद यू नो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके मैरिड लाइफ शुरुआत में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे गाइस. ओके काफ़ी हद तक आप दोनों में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, झगड़े रहेंगे, ये आप दोनों के बीच में भी रहेगा या फिर आपके इन लॉज के साथ भी रह सकता है. ओके क्योंकि पहला ही कार्ड टॉवर निकल के आया है तो टॉवर यही शो करता है कि शुरुआत में शुरुआत के कुछ महीने हो सकते हैं कि जहां पर आप लोगों में काफी ज्यादा झगड़े रहे. ये झगड़े हो सकता है बिहेवियर या फिर यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रिलेटेड भी रहेगा गाइस. मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में या फिर आपके और आपके इन लॉज के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगे जिसके बदौलत आप दोनों में भी झगड़े रहेंगे, आप दोनों में भी टकराव रहेगा. ओके यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर टू कि आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आप दोनों थोड़े से दिनों के लिए फिर थोड़े से महीनों के लिए सेपरेशन मोड में रहो. ओके पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर टू कि आफ्टर मैरिज किसी टकराव की वजह से हो सकती है आप दोनों का अलग सोच हो, आपके विचार और आपके इन लॉज के विचार नहीं मिलेंगे जिसकी बदौलत हो सकता है आप सेपरेशन मोड में रहो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ या फिर आपके इन लॉज के साथ. ओके तो कुछ ऐसा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगा गाइस आफ्टर मैरिज जिसके वजह से शुरुआत के दिनों में शुरुआत के कुछ महीने हो सकते हैं यहाँ पर आप दोनों का सेपरेशन हो या फिर आप अलग रहो या फिर काफी ज्यादा झगड़े आपके लाइफ में होंगे आफ्टर मैरिज. ओके तो वजह चाहे कोई भी हो लेकिन यहाँ पे मुझे टॉवर मोमेंट दिख रहा है आफ्टर मैरिज. ओके तो पाइल वन के लिए पहला कार्ड डेविल था, आपके लिए पहला कार्ड टॉवर है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा काफी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होगा आफ्टर मैरिज. जैसे मैंने शुरुआत में बताया ख्यालों का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोच का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, थॉट्स का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. ओके तो विचार अलग रहेंगे, आपके विचार कुछ अलग रहेंगे, उनके विचार कुछ अलग रहेंगे. ओके लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं मिलते हैं उसकी वजह से भी टकराव हो सकता है, रीति रिवाज का टकराव हो सकता है या फिर जॉब नहीं करने का या फिर करने का ये भी टकराव हो सकता है कि आप वो आपको फोर्स करेंगे कि जॉब करो या फिर आपको फोर्स कर सकते हैं कि जॉब छोड़ दो तो ये भी एक टकराव हो सकता है. ओके जैसे मैंने कहा थॉट्स का टकराव हो सकता है, सोच मेंटालिटी का भी टकराव हो सकता है. ओके लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं है गाइस, ये कुछ महीने तक हो सकता है, कुछ महीनों तक आपके लाइफ में ये टकराव रहेगा. बल्कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ 3 to 8 months का यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सिनारियोज है, 3 to 8 months ये झगड़े रहेंगे या फिर ये टकराव रहेगा या फिर आप दोनों का सेपरेशन रहेगा फॉर 3 to 8 months का. ओके लेकिन टॉवर कार्ड को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में ये जो बैड फेज से आप गुजरोगे आफ्टर मैरिज तो उसको जाके एक अलग वे आउट मिलेगा या फिर एक अलग वे आउट मिलेगा या फिर अलग नजरिया मिलेगा. ओके तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे मैंने कहा 3 to 8 months का टाइम स्पैन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं ये रहे, उससे कम भी हो सकता है लेकिन जैसे कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कहा 3 to 8 months का टाइम स्पैन यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 3 to 8 months में ये झगड़े हो सकते हैं या फिर क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकता है. ओके लेकिन उस झगड़े में भी कुछ वे आउट ऐसा निकलेगा गाइस कि हो सकता है आपके हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अंडरस्टैंडिंग रहते हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि इस टॉवर मोमेंट को, इस क्लैशेस को भी गाइस एक अलग ही वे आउट मिलेगा और एक अलग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड और वाइफ जो कुछ भी आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे हो सकता है वो अपने फैमिली मेंबर से अलग रहे.
बिकॉज काफी ज्यादा टकराव हो सकता है, काफी ज्यादा क्लैशेस हो सकते हैं, जिसके वजह से मायूस होकर आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे आपको अलग आपके अपने माँ बाप से अलग कहीं पे रखेंगे. तो हो सकता है ये अलग ना आपको कहीं दूसरे सिटी में लेकर जाए, दूसरे कंट्री में लेकर जाए, या फिर दूसरे दूसरा घर ऐसा बनाए कि जहाँ पर इंटरफेरेंस ना हो फैमिली मेंबर्स का. तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली टावर कॉर्ड को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्स ने, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर रहेंगे आपकी रिलेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे. और सोचने के बाद ही वो ये डिसीजन लेंगे कि ये क्लैशेस होने से अच्छा है हम लोग अलग रह जाते हैं, हम कहीं अलग बसेरा देख लेते हैं. तो यही कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ करेंगे, या फिर आपके मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ रहने वाली है. नो डाउट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, थोड़े से क्लैशेस रहेंगे, थोड़े से सेपरेशन भी हो सकता है आपके बीच में. तो सेपरेशन के वजह से ही शायद आपके फ्यूचर स्पाउस में ये ख्याल आए, या फिर वो ये सोचेंगे कि ये होने से अच्छा है, ये सेपरेशन मोड रहने से अच्छा है हम कहीं अलग बसेरा कर लेते हैं. तो डेफिनेटली आपको वो अलग रखेंगे या फिर अलग रहने की सोचेंगे. तो ये चीज़ है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिनों के ही बात है गाइस. तो उसके बाद ये भी है गाइस कि आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग फैक्टर रहेगा. आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ अगर आप अलग भी रहने चाहते हो, अगर आप कुछ अलग करना भी चाहते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों में बहुत ही यूनिक बॉन्ड रहने वाला है. आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लविंग रहेंगे, आपको आपको एंजल मानेंगे. वो ये समझेंगे कि आपकी वजह से वो है. तो आपकी मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेगी, उससे कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको आपके फ्यूचर स्पाउस देने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि थोड़े से फैमिली के साथ क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, आपको वो एंजल मानेंगे, और वो कितने भी गुस्से वाले हो, कितने भी ढीठ हो, कितने भी ऊंचे मुकाम उन्होंने हासिल कर ली हो, लेकिन आपके साथ हमेशा ही वो ग्राउंडेड रहेंगे. आपके सामने हमेशा ही वो ग्राउंडेड रहेंगे. तो आपकी सारी इच्छा पूरे करेंगे, सारे आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ हासिल करना चाहते हो, डेफिनेटली वो सारे आपके विश पूरे करेंगे. आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगे. पाइल नंबर टू, आपके मैरिड लाइफ में हमेशा ही एक बैलेंस मोड रहेगा, बैलेंस सिचुएशन रहेगी. और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में. और अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपके इन-लॉज को रियलाइज़ होगा कि आप सही हो, आप अच्छे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, तो डेफिनेटली मुझे ये भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपकी बहू के तौर पे, या फिर आपके जमाई के तौर पे. तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन है आपके लिए, डिवाइन का प्रोटेक्शन रहेगा हमेशा, जिसके वजह से हो सकता है वापस आप कोलैबोरेशन में आओ, वापस आप इकट्ठे रहोगे. तो ये जो मैंने बताया कि आप थोड़े दिन के लिए कुछ दूर रहोगे आपके फैमिली के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस दूर रहेंगे आपको लेकर, तो डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए ही रहेगा गाइस. लेकिन मुझे जैसे कि मैसेज मिल रहा है कि आफ्टर सम टाइम, थोड़े दिन के बाद आपके इन-लॉज को रियलाइज होगा कि आप काफ़ी अच्छे हो और फैमिली को बहुत अच्छी तरह से रखा है आपने, एक अच्छा बॉन्ड बनाया है फैमिली में, तो डेफिनेटली वो आपसे खुश होंगे और आपको वापस एक्सेप्ट करेंगे, और बहुत ही बैलेंस्ड आपकी ये मैरिड लाइफ रहने वाली है, इक्वल गिव एंड टेक रहेगी गाइस. और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी. तो जो रिश्ते टूट चुके थे या फिर जिस रिश्ते में जान नहीं थी, तो डेफिनेटली वहाँ पर ना पॉजिटिव वाइब्रेशन या फिर टर्निंग पॉइंट होगी आपके लाइफ में. तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा और बहुत ज़्यादा
न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगी। अगर आप फिनेंशियली भी कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ के लिए कुछ सपोर्ट देना चाहते हो अपने हस्बैंड को, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपकी जो फ्यूचर फैमिली है, इन लॉज, फ्यूचर इन लॉज है, तो आपको वो करने की परमिशन देंगे। आप आगे बढ़ोगे और आप फिनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हो आफ्टर मैरिज। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपके जो इन लॉज है वो मुझे जॉब करने देंगे या नहीं करने देंगे या फिर मुझे घर पर ही बिठा के रखेंगे, तो ये जान लीजिए पायल नंबर टू, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके लाइफ में आपको ग्रो करना है या फिर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो यस, आपके इन लॉज आपके लिए ये परमिशन देंगे, आपके लिए ये करने की इजाज़त बिल्कुल देंगे। ओके, यहाँ पे ये भी है गाइस कि मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपके जो इन लॉज रहेंगे, जैसे ही आप फिनेंशियली ग्रो करने लगोगे या फिर फिनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ओके, तो आपके इन लॉज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके, मैं सभी के लिए नहीं बता रही हूँ गाइस, हो सकता है पैसों से रिलेटेड कुछ पजेसिवनेस आपके इन लॉज की तरफ से रहेगी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके इन लॉज आपसे पैसों की डिमांड करें या फिर डाउरी का भी मुझे यहाँ पे कुछ वाइब्स मिल रही है। हो सकता है वो पैसों की कुछ डिमांड करें या फिर ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो इसके रिलेटेड हो सकता है आपको प्रेशराइज करें। ओके, तो ये भी कारण रहेगा गाइस कि मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि टॉवर मोमेंट आएगा, तो ये भी एक मोमेंट हो सकता है, उसमें से ये रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस रहेंगे। ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रहेगा आपके इन लॉज की तरफ से, लेकिन इतने भी बुरी आपकी मैरिड लाइफ नहीं रहेगी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपकी मैरिड लाइफ में रहेगी, आप ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा करोगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो सकता है उनका बिजनेस प्रोफेशन ऐसा हो, एक ना टूरिंग जॉब हो सकता है, ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा घूमने का इधर उधर। ओके, तो अगर वो वर्ल्ड भी कहा जाते हो, वर्ल्ड वाइड टूर भी करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको हमेशा साथ लेकर जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा आप घूमने वाले हो आफ्टर मैरिज। शुरुआत में ही थोड़े से दिक्कतें मुझे यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन आपको यही बताया जा रहा है पाइल नंबर वन, जैसे पाइल नंबर टू, जैसे ही आप ग्रो करने लगोगे, जैसे ही आप इंडिपेंडेंट रहोगे, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रखिए पाइल नंबर टू। ओके, तो ये भी मैसेज मुझे यहां से मिल रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, कि जैसे ही आप इंडिपेंडेंट रहोगे, ऐसा नहीं कि आप सारे पैसे खर्च कर दें या फिर बेकार ही आप पैसे उड़ाएं। ओके, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की भी आपको ज़रूरत है पाइल नंबर टू। ओके, तो इसके ऊपर मैं थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ, और ज़्यादा यहाँ से मुझे क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए देखते हैं यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी मैरिड लाइफ। ओके, पाइल नंबर टू, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। थोड़े से टेंशंस हर एक मैरिड लाइफ में रहती है गाइस, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव ना सोचिए यहाँ पर। ओके, तो जो सिनारियोज थे मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ओके, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है, सोच समझ करके रहना है इन लॉज के साथ। ओके, यहाँ से गाइडेंस लेते हैं क्वीन ऑफ वाटर, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स, लविंग, गिविंग एंड साइकिक, है ना। और लेती हूँ मैं कार्ड्स, फिर बताती हूँ आपको। किंग ऑफ अर्थ, दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सेवन ऑफ फायर, दैट। तो यहाँ पे है टू ऑफ वाटर, देखिए गाइज, टू ऑफ कप्स, तो काफ़ी ज़्यादा लविंग रहेगी आपके मैरिड लाइफ। मैंने पहले ही बताया था आपके आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे हर वक्त आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, हर एक सिचुएशन में आपके लिए स्टैंड लेंगे। दो आपकी मैरिड लाइफ कैसे भी हो, दो आपकी मैरिड लाइफ में उथल पुथल हो, फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गाइडेंस निकली है गाइज, ये भी मुझे यही बयां कर रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, वो कभी भी आपके खिलाफ इनजस्टिस होता हुआ वो देख नहीं पाएंगे। ओके, दो शुरुआत में
उथल पुथल रहेगा, क्लैशिश रहेंगे, फिर भी वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके और ये भी है गाइस कि हाँ, यहाँ पे मून का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपको ज़्यादा इल्यूजन में नहीं रहना है। ओके आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ड्रीमी नहीं रहना है, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ओके और जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसको परख लीजिए, उसके बाद ही उस पर एक्शन लीजिए। ओके बिकॉज मून कार्ड बता रहा है कि इल्यूजन या फिर ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहना है आफ्टर मैरिज। ओके ज़्यादा ड्रीम नहीं करना है, सिर्फ रियलिटी पे आपको फोकस करना है। ठीक है आफ्टर मैरिज आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे, आपकी फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे और फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपकी रहेगी। ओके और आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो अपने फैमिली मेम्बर से और आपके हस्बैंड आपका हमेशा साथ देंगे। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपका साथ देंगे। ओके लेकिन बशर्ते यही है कि कुछ चीज़ें उनकी आपको माननी पड़ेगी। ओके अगर वो कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए तो यस आप उनको थोड़े से पैसे दे सकते हो। ओके लेकिन आप जैसे ही फिनेंशियली ग्रो करोगे यस कुछ हद तक आप उनको पैसे दे सकते हो। ओके घर खर्च के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली ग्रो करोगे आफ्टर मैरिज। ओके तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन यही है गाइस कि आपको ज़्यादा इल्यूजन में नहीं रहना है और सपने की दुनिया में, सपनों की दुनिया में आपको नहीं रहना है यहाँ पर। ओके यही आपको कहा जा रहा है और आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको काफ़ी बेहद ओके अनलिमिटेड आपको प्यार करने वाले हो, हर एक सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको फिनेंशियली ग्रो करने में भी साथ देंगे। और यहाँ पे यही गाइस कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फिनेंशियली ग्रो करने की भी आपको मदद करेंगे, लेकिन यही है कि आपको भ्रम में नहीं रहना है, आपकी इंट्यूशन पे आपको फोकस करना है। ओके और बहुत ज़्यादा प्यार भी देना है, इक्वल गिव एंड टेक आपको भी देना है। ओके निगेटिव चीज़ें आएंगी लाइफ में आफ्टर मैरिज, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, यही आपको यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। ओके हर एक चीज़ में, हर एक मोड में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी उतना ही प्यार आपके फ्यूचर स्पाउस को देनी है, आप उनके फैमिली मेंबर्स को देने हैं। ओके लेकिन किसी भ्रम या इल्यूजन में आपको नहीं रहना है। ओके और जो आपके सामने आता है वो भ्रम भी रहेगा तो उसको परख के लीजिए। ओके और फिर उस पर एक्शन लेने की आपको जरूरत है, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ओके तो ये आपके लिए रीडिंग थी, ये आपके लिए गाइडेंस थी यहाँ से। ओके तो पाइल टू ये थी आपके लिए रीडिंग कि फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी और आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।